राजस्थान की वीर भूमि ने अनेक वीर योद्धाओं तथा वीरांगनाओं को जन्म दिया है। यह कहानी ऐसी ही एक वीरांगना के बलिदान पर आधारित है। बहुत समय पहले मेवाड़ राज्य के राजा संग्राम सिंह शासन किया करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र उदय सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया गया। उदय सिंह को जन्म देने के पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। तभी से पन्ना नामक धाय ने उनका लालन पालन किया था। वे अपने पुत्र के साथ राजकुमार उदय सिंह की भी देखभाल करती थी। चूंकि उस समय उदय सिंह बहुत छोटे थे एवं राजकाज संभालने के लायक नहीं थे, इसलिए उनके निकट के संबंधी बनवीर को उनका संरक्षक बनाया गया था। बनवीर एक महत्वाकांक्षी व क्रूर व्यक्ति था। वह राजकुमार उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाकर मेवाड़ की सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। पन्नाधाय को बनवीर पर संदेह था, इसलिए वे अपने गुप्तचरों द्वारा बनवीर पर अपनी नजर रखने लगी। एक दिन मेवाड़ में वसंत उत्सव का आयोजन किया गया। सभी लोग उत्सव में मग्न थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वनवीर राजकुमार उदय सिंह को मारने की योजना बना रहा था। जब गुप्तचरों को वनवीर के षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने तुरंत पन्नाधाय को वनवीर की योजना बताई। योजना के बारे में सुनकर पन्नाधाय के होश उड़ गए। उन्होंने राजकुमार उदय सिंह को एक कपड़े में लपेटकर अपने गुप्तचरों के साथ राजमहल से बाहर सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया। उसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राजकुमार के स्थान पर उनकी पोशाक पहनाकर पलंग पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद बनवीर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर राजकुमार के कक्ष में आया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, पन्नाधाय बता उदय सिंह कहाँ है। पन्ना ने पलंग की ओर इशारा किया, उस पर उनका पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को राजकुमार उदय सिंह समझकर तलवार के एक वार से उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए। यह सब देखकर पन्नाधाय चुप रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने बनवीर को यह महसूस नहीं होने दिया कि जिस बालक की हत्या उसने की है वह उदय सिंह नहीं अपितु उनका पुत्र है। बालक की हत्या करने के पश्चात बनवीर सिंह वहां से चला गया। अपने पुत्र के शव को हाथों में उठाए पन्नाधाय राजमहल से बाहर चली गई। वहां उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और राजकुमार उदय सिंह की रक्षा हेतु गुप्तचरों के पास पहुंच गई। उसके पश्चात पन्नाधाय राजकुमार उदय सिंह को लेकर मेवाड़ की सीमा से दूर चली गई। कितनी महान है पन्नाधाय, जिन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने पुत्र के प्राणों का बलिदान कर दिया। मेवाड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा हेतु उन्होंने अपने लाल की बलि दे दी। धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु मातृधर्म को त्याग दिया। उनका बलिदान युगों युगों तक याद किया जाएगा। संसार सदैव उन्हें नमन करेगा।